नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है दोस्तों। अभी तक जो एक साल 14 जून को हमारे भाई को एक साल हो जाएगा हमें छोड़कर गए हुए, लेकिन अब एक नई खबर ये उठकर आई है कि सुशांत भाई का बॉडीगार्ड सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। बॉडीगार्ड डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि वो होते हैं जो हमेशा इर्द गिर्द घूमते हैं। रिया चक्रवर्ती अगर भाई के साथ है, वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली बॉडीगार्ड साथ में है तो बहुत सारी चीजें बताएगा। अगर वो खुलकर सामने आ रहा है और खुद सरकारी गवाह बनने के लिए उन्होंने मंजूरी दी है, तो वी कैन अश्योर दैट कि ऐसी कई संभावनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी गुत्थी ऐसी हैं जो कि सामने आने वाली है। वो अनसुलझी कहानी जिसे कि शायद हम तक नहीं पहुंच पाई है, वो स्टोरी अब शायद पर्दा उठने वाला है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई का इंसाफ बहुत जल्द हमें मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको एक खबर देना चाहूंगी जिससे कि शायद सुन के आपको थोड़ी तसल्ली होगी कि सिद्धार्थ पिठानी को और ज्यादा दिनों तक जेल में रखा जाएगा और उनकी जो हिरासत है वो 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। 14 दिनों तक अभी वो और जेल में रहने वाला है, सड़ने वाला है मैं कहूंगी। तो सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ अगर आपको पता ही होगा कि नीरज और केशव के नाम पर भी समन जारी हो गया था, सैमुअल मिरांडा का भी नाम सामने आ रहा है, तो मतलब ये वही नाम है दोस्तों, कोई पुराने या कोई नए नाम नहीं है, ये वही नाम है जिनका जिक्र जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत बढ़ चढ़कर हुआ था लेकिन फिर एक ठंडे बस्ते में दब गया था। लेकिन एक बार फिर से सारे वही नाम खुलकर सामने आए हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी विश्वकन्या जिनको विश्वकन्या बोलने पर आपत्ति थी, लेकिन शायद ये नाम मेरे जुबान पे रह गया है क्योंकि मेरे लिए हर वो इंसान जहरीला है जिसने मेरे भाई को मुझसे छीना है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों को पता चले कि सुशांत सिंह राजपूत केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है। और चैनल के साथ बने रहे, रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्रेस हिट बेल आइकन जिससे कि आपको ये अपडेट मिलते रहे कि कब कब वीडियो मेरा आ रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।